हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों फिर से आज नॉइस हटाने वाले हैं। तो फिलहाल ही वीडियो में बनाया था, भाई लोगों को फिर से कमेंट आ गया कि भाई हल्का हल्का नॉइस उसमें आ ही रहा है। लेकिन जितना थोड़ा ज़्यादा आता रहता है ना, उसमें नॉइस थोड़ा कम हो जाता है रेजिस्टेंस डायोड और जीना डायोड लगाने के बाद। तो उसमें भी आपको और कम चाहिए तो आप चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई सा भी चार्जर है, 1 एम्पियर, 500 mAh या 2 एम्पियर या केबल वाला या यूएसबी वाला, दोनों कोई सा भी काम कर जाएगा। ओके, और बात की बात रही, कोई सा भी ब्लूटूथ कीड या यूएसबी कीड में सब में हमिंग जो आता है वो आता ही है जब ये चीज़ आप यूज़ नहीं करें। कैसे उसमें आता है, जैसे सिंपल जो ट्रांसफार्मर उसी का वोल्टेज को इसमें देंगे तो हमिंग प्रॉब्लम आता ही छे, बहुत ही ज़्यादा आता है ना। मैं देखा हूँ जितना में 70% में आता, 30% किस्मत वाला के नहीं आता। उसमें क्या क्यों नहीं आता उसका भी कारण मैं बता दूंगा, वीडियो बने रही। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसमें स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला में, कि इसमें आवाज़ आता है हमें। ओके, तो कैसे करना है आप लोग, ये चार्जर है ये वाला रहेगा तो क्या करना है, आप तोड़ना चाहे आपको परमानेंट किसी एम्पलीफायर में लगाना है या किसी चीज़ में परमानेंट लगाना है तो इसको तोड़ के, ये वाला में तोड़ के इसको अंदर में जानते हैं। इसका 220 वोल्ट रहता है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर वाला में डाल देना, और इसका जो 5 वोल्ट है इसमें डाल देना। तो कैसे कैसे, अगर तोड़ना नहीं है तो कैसे करना है आप लोगों को, आपका एक केबल है, केबल को देखिए, दे चार वार आते हैं जो भी है, चार रखे रेड और उसको ब्लैक को निकाल लेना है, उसके बाद जितने वार उसको काट लेना है। इसमें निकाल दिए, इसको लगा दिए हम लोग, तो ये अपना 5 वोल्ट बन गया। ओके, ये 5 वोल्ट बन गया। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 6283 को बैटरी या किसी चीज़ में चला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फिर से एडाप्टर में चलाने वाला हूँ। ओके, 12 वोल्ट 2 एम्पियर। और आपको कोई सा भी ब्लूटूथ किट है महंगा या कैसा भी, आपको थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी बरतना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 7805 भाई को लगा लेंगे। लेकिन लेकिन मेरी बात समझिए, जो चार्जर रहता है ना वो 5 वोल्ट ही फिक्स निकालता है, फिक्स मतलब फिक्स ही निकालता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो ये भाई जो रहता है ना इन ब्लूटूथ किट उतना सह लेते हैं। लेकिन आप 6 साढ़े 6 7 वोल्ट पहुँच जाते हैं ना, थोड़ा टाइम चलते हैं उसको बड़ा आग से उसके जो रेगुलेटर आईसी या मेन आईसी को मार देते हैं। ओके, तो आप इसको लगा रहे हैं तो उतना नहीं है 7805, तो उसको इग्नोर कर देना, इसको डायरेक्टली इसमें लगा देना। ओके, और बात रही बात, मैं इसको तुरंत धड़ाधड़ कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को चला के देता हूँ कि हाँ भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर बोलेगा अरे भाई कर ही नहीं रहा। ओके, इसको मैं कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, पूरा कनेक्शन मैं कर दिया था, देख सकते हैं ये आपका चल दिया, LRR इन हो यहाँ से हो गया इसका, और इसके बाद स्पीकर आउट, स्पीकर का जोड़ लिया और यहाँ से 5 वोल्ट दे दिए। अलग से देख लीजिए ना, ये जो चार्जर का मैं पिन निकाला था ये 5 वोल्ट अलग से दिया हूँ, और ये आपका 12 वोल्ट है, देखिए ये जो किट को जा रहा है ये अलग है। अब एक ही जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसका अलग अलग देंगे ना तो हमिंग आ ही नहीं सकता, मतलब आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, नहीं बोल सकता। कभी कभी आप कनेक्शन इधर उधर कर देंगे फिर आ गया तो भाई यार के भाई तू क्या बता दिया बस हो जाएगा, आ ही नहीं सकता। मैं जितने भी बनाए एम्पलीफायर उसमें कभी आया ही नहीं है, मैं अलग अलग ट्रांसफार्मर किया हूँ तो, और आएगा तो क्यों आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वीडियो में बने रही है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें बताते जाता हूँ। तो पहले इसमें दिखा देता हूँ कि वाई जो आपका नॉइस आ रहा है नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका 12 वोल्ट जोड़ देता हूँ मैं, ये देखिए हल्का घूं घूं कर रहा होगा, आपको सुन रहे होंगे, तो छू के दिखा देता हूँ, आवाज़ आ गया, मतलब अपना एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। इसके बाद अपना ब्लूटूथ किट को ऑन करना है, ये देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं, देखिए ओके कुछ, ये देखिए कनेक्ट भी हो गया, आवाज़ सुन लीजिए आप, कुछ आवाज़ नहीं है, एक भी सू हाँ हाँ फू फा फी फू कुछ नहीं है। इसके बाद मैं इसको अपना मोबाइल का पासवर्ड खोल लेता हूँ, ये देखिए ये है मोबाइल, देख सकते हैं ये मैं दबाया, ये बंद हो गया। ओके, देख सकते हैं दोस्तों एक भी नॉइस नहीं है, नॉइस जो आता है कुछ भी नॉइस नहीं है। आपका ब्लूटूथ ये किट चालू है, एक बार मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद फिर से ऑन करता हूँ, देखिए ये बंद हो गया। ओके, अब देख सकते हैं चालू कर रहा हूँ, ये देखिए आवाज़ सुने हैं, हल्का हल्का आ रहा है क्योंकि यहाँ से कम है आवाज़, ये देखिए पी एड भी हो गया। तो आप सुन सकते हैं एक भी नॉइस नहीं है। आप बोलेंगे भाई आवाज़ कम कर कर इसलिए नहीं आ रहा है, देखिए आवाज़ फुल कर दे रहा हूँ, ये फुल हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ भी नॉइस नहीं है इसमें। इसके साथ करके देखते हैं ये वाला, आपका
बोलेंगे कि भाई ये वाला ब्लूटूथ ब्लूटूथ किट में तो नहीं आता है, नहीं आता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों तो ये वाला ब्लूटूथ किट में मैं दिखा रहा हूँ इस बार करके कनेक्शन, तो देखिए इसमें तो एक भी नॉइस नहीं आ रहा, आप देख ही रहे हैं। अब इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों देख लीजिए, इसका भी मैं पूरा कनेक्शन कर चुका हूँ। ये रहा आपका ब्लूटूथ किट, यहाँ से 5 वोल्ट डायरेक्टली जो अपना दे रहे थे ना 5 वोल्ट, इसको डायरेक्ट दे चुका हूँ मैं यहाँ पास। ये आपका RL आउट निकल गया है यहाँ से, यहाँ स्पीकर कनेक्शन सब तो था, और ये आपका अलग से जो वोल्टेज है। ओके, तो मैं लगा देता हूँ सब चीज़ को। सबसे पहले इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। देखिए आप आवाज़ सुनाई दे रहा होगा कुछ, ये देखिए आवाज़ हट गया, देखिए ये हट गया। इसमें हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है, लेकिन ये वाले में नहीं आ रहा था। ये ब्लूटूथ किट में पूरा नॉइस हट गया था, देखिए इसमें हल्का हल्का आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, देखिए हल्का हल्का आ रहा है। तो ये भी हट जाएगा कैसे, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ज़्यादा आवाज़ हो गया था, इसमें कनेक्ट कर लिया था पहले मैं, देखिए देखिए अब इसको पूरा आवाज़ कम कर दिया, देखिए पूरा नॉइस हट चुका है। लेकिन जब ये अलग से अडाप्टर नहीं लगा रहेगा तो नॉइस हल्का सा आएगा, और गाना चलते नहीं रहेगा तो हल्का हल्का आएगा। वो आपका डिफ़ॉल्ट जो भी बोल सकते हैं इस पर जो प्रोग्रामिंग हुआ वो IC उसका प्रॉब्लम है। देखिए आवाज़ हल्का से दिया मैं, ये देखिए कम करो, देख लीजिए ना इसको, देखिए 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 कम किया, देखिए नॉइस हट गया। ओके, तो हल्का हल्का नॉइस आएगा, उतना थोड़ा चलाना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए पूरा क्लियर साउंड, ये मैं कम कर दिया। ओके, ये हो गया कम। ओके देखिए हट गया है, अब इसको गाना बंद करूँगा तो देखना नॉइस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का आ रहा है, चीची चीची कैसे उतना आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, बंद करता हूँ। ये देखिए इसको बंद करता हूँ। आपका चार्जर लगाने के बाद भी आपका नॉइस आ रहा है, तो आप क्या गलती की है, मैं उस गलती को आपको बता रहा हूँ, वो गलती मत करना। ये वाला मेन रहता है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं सब लोग, तो मैं इसमें बता देता हूँ, सेम टू सेम दोनों में होता है। ओके, तो ये देखिए इसमें ग्राउंड है, ये बीच का ग्राउंड RL ग्राउंड, इसको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड ग्राउंड में जोड़ देते हैं। जैसे मैं भी वही गलती करता था पहले, इधर ग्राउंड है कहीं यहीं से जोड़ दिया, तो या ये वाला जो दो ग्राउंड आ रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है और ये ग्राउंड को मैं यहाँ कॉमन करके मतलब वायर बचाने की कोशिश करता था, या मैं सोचता था कि वायर ज़्यादा मत हो, ज़्यादा कचड़ पिचड़ मत दीजिए, यही गलती में नॉइस आता था। क्या करना है आप लोगों को, ये जो RL है डायरेक्ट RL जो भी ग्राउंड है जो भी सर्किट का, उसको डायरेक्ट यहीं से जोड़ देना है, इसका ग्राउंड जाना चाहिए। और तो आप सोचते होंगे इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड, ये ग्राउंड कॉमन होगा ना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कॉमन होता ही नहीं है। मैं तो सोचता था मैं कि पहले कॉमन होगा कॉमन होगा, मैं वायरिंग में भी पहले पहले बताता था कि कॉमन तो है हटा दीजिए, लेकिन ये वाला जो ग्राउंड है ना ये अलग ही टाइप का काम करता है। तो इसको डायरेक्ट इस ग्राउंड को गलती कभी मत करना, डायरेक्ट जो सर्किट है RL या मोबाइल से भी जोड़ रहे हैं तो RL ग्राउंड जहाँ चाहिए वहीं दीजिए, और इसका माइनस यहाँ से उठा के और दीजिए। आपके पास माइनस ज़्यादा है तो एक और प्लस माइनस कहीं से जोड़ के, ये सब लोहा हुआ माइनस करके माइनस, जितना माइनस बनाएंगे उतना आपका सेफ्टी जो भी नॉइस आता है नॉइस हट जाएगा। और नॉइस जैसे आप डायरेक्ट जोड़ना चाह रहे हैं तो एक बार पूरा बॉडी अर्थ मार्क देखिए, जैसे आपका वॉल्यूम वॉल्यूम जितने भी मैं वीडियो में बनाया हूँ बहुत सारे में बताया हूँ। और आपको जैसे चार्जर के यूज़ नहीं करना है तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं जीना डायोड से बनाया हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। इतने में 100% आपका निकल जाएगा चार्जर, आप एक बार यूज़ करके देखिए। और जो बताया ना मैं भी वही गलती की होगी, आप लोग देख लीजिए आपका नॉइस आ रहा होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आया था एक बार, इसलिए मैं सोचा कि इसको भी बता दिया जाए। ओके, तो इतनी कीमती टाइम निकाल के इतनी लंबा वीडियो देखने, दिल से शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।